हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह मेरा प्राण बचैया। हेलो नमस्ते नमस्कार प्रेज लॉर्ड, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं हूं अल्मोस कुमार कलखो और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। मैं अभी जा रहा हूं भोपाल, मैं यहां से गुजर रहा था, अभी मैं हूं बाईपास में और यहां पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। ये है बैकग्राउंड में मेरे, आप देख सकते हो, दिस इज न्यूयॉर्क सिटी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, न्यूयॉर्क सिटी इन इंदौर। सो यहाँ पे बना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी कुछ दिन पहले मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम के आया था, नहीं देखा है तो ये यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लो। एंड हियर वी गो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वी नीड नॉट टू गो टू USA। मेरे अपोजिट साइड में सेज यूनिवर्सिटी है बाईपास में, ये साइड लाइट की वजह से आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज सेज यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा हिली एरिया में बना हुआ है और इस साइड में पूरा ये इंदौर सिटी है और हम यहाँ से बाईपास कर रहे हैं। ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है बिकॉज आई एम गोना मीट माई फ्रेंड्स देयर इन देवास इन बिटवीन, दैट विल बी फन। और भोपाल जाने का पर्पज़ है, भोपाल मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन है 4 बजे के आसपास, कुछ शाम को मेरी ट्रेन है और अभी अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, अब दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़ा आ गया। बेलगाम, ये बेलगाम 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 कर्नाटका, लेट्स गो। तो फाइनली हम देवास पहुंच गए हैं, ये राइट साइड में ये बाईपास है देवास का जो कि भोपाल को कनेक्ट करता है और रतलाम वगैरह साइड में, इस साइड से जाने का है ये पूरा बाईपास है। और ये है सिटी की तरफ जाने वाली रोड। वाओ, बास्केटबॉल ग्राउंड, ये है फुटबॉल वॉलीबॉल एंड दिस इज लॉन टेनिस एंड देन क्रिकेट मैच। क्या बात है, बहुत कुछ है यहाँ, कोई स्पोर्ट्स क्लब है क्या, क्या बात है, स्प्रिंट ट्रैक और क्या क्या है। हर्डल्स अभी भी अंडर डेवलपमेंट ही चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, थोड़ा बहुत कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा, थोड़ा पेट पूजा हल्का सा हो जाना चाहिए, एकदम खाली पेट चलना ठीक नहीं है। मुझे लगा ये सिटी विटी की तरफ कहीं लेके जाएगा, ये उल्टा इधर ही ले आया मेरे। यहाँ के बारे में लोग उधर से जाते हैं। चलो गुड, ये हम हैं, ये दुबे है, खरखो है, तो यहाँ पारी हो रही है। तो नाश्ता हो गया है, पेट पूजा हो गई है और टाइम भी थोड़ा सा निकलता जा रहा है और भोपाल जाना है, मतलब अभी ट्रैफिक भी फेस करना पड़ेगा, तो फिर निकलने का टाइम आ गया है। मैंने शायद इन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये है दीपक और ये है आरती। तो ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, कॉलेज से हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और गुड थिंग इज कि दे आर मैरिड। ये इसका मतलब समझ जाओ, है ना। ठीक है, फिर अभी निकलते हैं, पैकअप करते हैं। अच्छा लगा, अरे एक एक करके मिला लो यार। अभी हम वापस जा रहे हैं बाईपास की तरफ जिधर से हम आए थे और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट निकल जाएंगे भोपाल की तरफ। ऑल राइट, यहाँ से भोपाल है 152 किलोमीटर, अंडर ब्रिज नीचे से जाना पड़ेगा। आई डोंट नो किस तरह से ये सिंबल है बट या ब्रिज के नीचे से। गुना ग्वालियर जाने के लिए आप सीधा मक्सी होते हुए निकल जाएं और भोपाल जाने के लिए यहाँ से राइट ले लें।
यहाँ से सीहोर है 110 किलोमीटर और पचमढ़ी अगर इसी रूट से जाते हैं तो 339 किलोमीटर। हमारी गाड़ी की टंकी हो गई है खाली, सिर्फ एक ही डंडा बचा है, पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। अभी पेट्रोल भराने के लिए हमको करना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे के लिए हमको उठना पड़ेगा यहाँ से और बंद करनी पड़ेगी अपनी रिकॉर्डिंग। टंकी हो गई हमारी फुल तो नहीं कराई है, आधी ही कराई है, बट जितना चाहिए उतना पेट्रोल हमने डला लिया है। तो रोड में तो कोई शिकायत नहीं है। सीहोर यहाँ से 85 किलोमीटर बाकी है और वहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर समथिंग कुछ भोपाल पड़ता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली सीहोर का बाईपास है भोपाल जाने के लिए, और ऑन द अपोजिट साइड लेफ्ट साइड में ये है सीहोर सिटी क्रॉस करते हुए भोपाल जाने के लिए। दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है, 15 से 20 किलोमीटर का टोटल ट्रैवल है सीहोर को क्रॉस करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सुबोध डेविड चंद्रा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने इतना सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, गॉड ब्लेस। सो फाइनली नाउ वी आर अगेन ऑन अवर रूट टू द भोपाल। दूधारी पशु, दूध देने वाले पशु। भोपाल एक्चुअली यहाँ से एक लेफ्ट साइड में एक डाइवर्सन था, ये आवरा और कुछ अलग हाईवे था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वाओ, इन सब पेड़ों के ऊपर सारे अगर पत्ते आ जाए, फूल आ जाए तो कितने अच्छा लगेगा। फाइनली हम भोपाल एंटर कर रहे हैं। दिस इज द वेलकम बोर्ड ऑफ भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहां से BRTS की रोड स्टार्ट हो जाती है। सीधा जाएंगे तो लाल घाटी। कौन सा नाका बोला था यार, मैं भूल गया। नारियल नाका? नहीं, कौन सा नाका बोला था यार? संतरे का नाका, नारियल नाका, क्या नाका बोला था? ओके, नारियल का खेड़ा, नारियल का खेड़ा, नारियल खेड़ा का चौराहा, सॉरी। अरे यार क्या है यार, मैं भी नारियल खेड़ा का चौराहा याद रहेगा अभी। कॉम्बैट ट्रेनिंग एरिया, तो ये कैंट एरिया है भोपाल का, और यहाँ पर ये पूरा आप बिना हेलमेट के जा नहीं सकते। एक्चुअली मुझे रोक लिया था काफ़ी कुछ, अभी मुझसे पूछताछ की, मेरा लाइसेंस वगैरह चेक किया। मैं थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से, थोड़ी तेज स्पीड से आ रहा था यहाँ के हिसाब से। यहाँ पे 35 समथिंग कुछ मैक्सिमम स्पीड लिमिट है यहाँ से क्रॉस करने के लिए, और मैं शायद थोड़ा सा तेज और थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा था राइड करते समय।
तो ये पूरा कैंट एरिया है, यहाँ पे एसएसबी के ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। ये रेसिडेंशियल एरिया भी है, ट्रेडिंग एरिया भी है, यहाँ तो हर चीज़ होता है। सो बिफोर इट गेट्स टू लेट, ज़्यादा देर होने से पहले, ज़्यादा अंधेरा होने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि इंदौर से भोपाल तक बाय रोड ट्रैवल करना देन ट्रेन पकड़ना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। फ़िलहाल मुझे तो टाइम पर ट्रेन मिल गई, बट अगर 5 मिनट भी लेट होता तो शायद मिलना मुश्किल था, बट फिर भी अभी मैं हूँ ट्रेन में और ट्रेन का माहौल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी खासी सीनरी है, पहाड़ी है और जंगल झाड़ है, सब कुछ है, अच्छा है। तो ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। आज की वीडियो में बस यहाँ तक और नेक्स्ट जो भी व्लॉग होगा उसके लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।